हरतालिका तीज व्रत में भूल से भी ना करें ये गलती, रखें इन बातों का ख्याल, महत्वपूर्ण और फलदायी व्रत। नमस्कार, मैं दिव्य, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और फलदायी व्रत तीज को माना जाता है। ये व्रत उनके वैवाहिक बंधन से जुड़ा होता है। सदियों से ऐसा माना जाता है कि ये व्रत रखने से शादीशुदा महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत कुंवारी लड़कियां द्वारा भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनके व्रत से प्रसन्न होकर महादेव और गौरी माता उन्हें मनचाहा वर दे देते हैं। इसके पीछे कहानी भी जुड़ी हुई है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए भी ये व्रत रखा था। बता दें कि जिस तरह से हिंदू धर्म में छठ महापर्व कठिन होता है, वैसे ही इस व्रत को करना भी कुछ आसान नहीं है। इस व्रत को निर्जला अर्थात बगैर पानी पिए किया जाता है। 24 घंटे तक महिलाएं व्रत के दौरान पानी नहीं पीती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को करना एक बार शुरू कर देती हैं तो फिर वो इसको छोड़ नहीं सकती। जानिए कब है हरतालिका तीज। हर वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल तृतीया पर हरतालिका तीज व्रत महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस साल उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:02 पर शुरू होगा। इसका समापन सुबह 8:33 पर होगा। हरतालिका तीज का व्रत करने से पहले महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर किसी महिला को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो उनके लिए इस व्रत को कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे आपको निर्जला व्रत रखने के लिए कुछ टिप्स, जिसे फॉलो करके आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। हरतालिका तीज व्रत रखने से पहले महिलाओं को व्रत से ठीक एक दिन पहले सही और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। ज़्यादातर मसालेदार व तैलीय खाना ना खाएं। इससे आपको व्रत के दौरान पेट की समस्या हो सकती है। सादे खाने से व्रत वाले दिन आप अच्छा महसूस करेंगे। ये व्रत निर्जला किया जाता है तो ऐसे में शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए खाने के साथ सही मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। तीज व्रत के दौरान सावधानी का बहुत ध्यान रखना है, इसलिए घर के बाहर ना जाएं, तेज धूप से बचें। धूप में जाने से व्रत के दौरान आपको डिहाइड्रेशन होने की संभावना हो सकती है। व्रत वाले दिन अधिक काम ना करें। ऐसा करने से आपका शरीर जल्दी थक जाएगा और आपको प्यास भी लग सकती है। इसलिए व्रत से ज़्यादा मेहनत वाले या थका देने वाले काम बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों से मशवरा लेकर एक समय निश्चित कर लें फलाहार के लिए। आप किस तरीके से हरतालिका तीज मनाते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।